वेलकम बैक टू मिशन डी ट्रिपल एस बी यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आशु मेहता। पार्ट नंबर 9 है, एसएससी टीजीटी मैथ्स चंडीगढ़ पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। प्रीवियस ईयर पेपर है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो वेक्टर कैलकुलस के अंदर से रहेगा, जिसमें कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और इस टाइप के जो टॉपिक हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 4 से 5, उसको हम सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लाया हूँ। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, और नीचे अन अकेडमी का एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर 1000 वन लाइनर की सीरीज चल रही है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी कॉमन पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, डेल डॉट डेल क्रॉस वी विल बी इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका डाइवर्जेंस, एक होता है ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस तब हम निकालते हैं जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है डेल डॉट एफ, और डेल डॉट एफ जब एक एफ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है तब हम वो बोलते हैं ग्रेडियंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेल जो है डेल को हम जो नॉर्मली लिखते हैं, सॉरी तो देखिए डेल जो है मैंने मान लिया कर्ली बाय कर्ली एक्स आई प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई जे प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड के। ठीक है, और जो वी जो अंदर दिया हुआ था ये मैंने एक वेक्टर जो क्वांटिटी मान ली ए वन ए टू ए थ्री। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर वाला पहले क्रॉस निकालेंगे मतलब कर्ल निकालेंगे। इस सारे को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल। ठीक है, तो पहले कर्ल निकालते हैं उसके बाद डाइवर्जेंस हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे कर्ल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे हमने निकालना है डेल डेल क्रॉस वी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ऊपर आता है हमारा आई जे के। ठीक है, अंदर जो डेल का हमारा आएगा कर्ली बाय कर्ली एक्स, ऐसे ही कर्ली बाय कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड, और वी का जो है हमारा क्या है ए वन ए टू ए थ्री। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा आई, ठीक है, ऐसे ही कर्ली ए थ्री बाय कर्ली वाई माइनस कर्ली ए टू बाय कर्ली जेड। इसका डिटर्मिनेंट हम सोल्व करेंगे तो ऐसे ही जे का मैं पॉज करके जल्दी लिख देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये सारा का सारा आ गया। ठीक है, जब हमने उसका डाइवर्जेंस खोला या मतलब जो भी आप लगा लो डिटर्मिनेंट हमने सोल्व किया, उसके बाद हमने अब क्या करना है कि डेल जो हमारा डेल है डेल डॉट मतलब ग्रेडियंट सॉरी हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं डेल क्रॉस वी। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कर्ली स्केयर ए थ्री कर्ली एक्स कर्ली वाई। ठीक है, इसको आप कैसे देख सकते हो, ये आपको दिया हुआ है ये वाला, ये आई की टर्म में है, और ये वाला जो है हमारा ये भी आई की टर्म में है। तो आई आई से जाएगा जब कर्ली अपॉन कर्ली एक्स है, यहाँ पे क्या है कर्ली अपॉन कर्ली वाई है, तो कर्ली स्केयर अपॉन ए थ्री तो रह ही जाएगा, साथ में कर्ली एक्स और कर्ली वाई आ जाएगा। इस टाइप से ऐसे ही सभी को जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, आप देखिए कर्ली स्केयर ए टू कर्ली एक्स कर्ली जेड। ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म आएंगी मैं आपको पोज करके लिख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी की सारी टर्म लिख ली। अब क्या हुआ, ए थ्री वाली जो टर्म है उससे कट हो रही है, ए टू वाली टर्म इससे कट हो रही है, ए वन वाली टर्म इससे कट हो रही है, इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है जीरो। ठीक है, तो जब हमने इस सारे को सोल्व किया तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया जीरो। दोस्तों, मेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट या मतलब इक्विपमेंट नहीं है कि अच्छे से लिख पाऊँ, तो इसी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा एक बार। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे, लाइक ज़रूर कीजिए जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है। मतलब इस पर टाइम बहुत लगता है, मैं कॉमन पेपर का भी सोल्यूशन बता सकता हूँ, और उसमें ज़्यादा देखने वाले बंदे हैं, इसमें सिर्फ मैथ वाले ही हैं, बट मैं सोचता हूँ कि एक बार इसका सोल्यूशन दे दिया जाए क्योंकि मेरी फील्ड भी मैथ ही है तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो कॉमन पेपर का भी जल्दी मैं आपको जो है ना सोल्यूशन भी दे दूँगा और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे दूँगा, बट इसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है और आपके जो रिस्पॉन्स है वो मुझे लग रहा है कि कम आ रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि 400-500 लोगों ने वीडियो देखी होती है और लाइक होते हैं सिर्फ 20-15, तो मुझे या तो बताइए कि किस में इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 0। और नीचे 1001 लाइनर की आपको सीरीज मिल जाएगी, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कॉमन पेपर के लिए भी और कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 89, इफ़ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्केयर देन ग्रेडियंट ऑफ एफ एट 1 - 2 और 1 इज। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है अब हमें। तो ग्रेडियंट और कल में मैंने आपको ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के अंदर मैंने आपको फ़र्क बताया। ग्रेडियंट हमेशा किसका होता है, स्केलर क्वांटिटी का होता है, और डाइवर्जेंस जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी का होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एफ की स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ ग्रेडियंट इसीलिए पूछा हुआ है, यहाँ डाइवर्जेंस नहीं बोला हुआ। ठीक है, तो आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है हम निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट है 1 - 2 और -1, एक्स वाई जेड तीन ये पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम इसे निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट जो है पार्शियल डेरिवेटिव इसमें करना होता है, एक्स का करेंगे सारे में, एक्स की जो टर्म है फर्स्ट वाली टर्म है सिर्फ, तो मेरे पास आ जाएगा 6xy। ठीक है, आई आ जाएगा साथ में, क्योंकि जो ग्रेडियंट है वो मेरे पास क्या होता है, कर्ली बाई कर्ली एक्स आई प्लस कर्ली बाई कर्ली वाई जे प्लस कर्ली बाई कर्ली जेड के। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा। इस टाइप से ही हम जब सेकंड का करते हैं कर्ली बाई कर्ली विद रिस्पेक्ट टू कर्ली बाई कर्ली वाई, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के अंदर वाई है, तो दोनों के अंदर कर देंगे हम 3x² माइनस 3y² जेड स्केयर जे। ठीक है, ऐसे ही जब हम विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव तो मेरा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पुट कर लेता हूँ जो पॉइंट मुझे दिए हुए हैं 1 - 2 और -1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -12i - 9j - 16k। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा बनता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं लिया तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पेपर ले सकते हैं, कॉमन पेपर भी ले सकते हैं, पीडीएफ फाइल नीचे दी गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई जेड एक्स वाई स्केयर प्लस वाई जेड क्यूब एट पॉइंट इतने पे इन द डायरेक्शन ऑफ द वैक्टर आई प्लस 2j + 2k। डायरेक्शनल डेरीवेटिव हमने निकालना है इसी पॉइंट पर, डायरेक्शन दी हुई है हमें। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन का जब निकाला जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्केलर पॉइंट फंक्शन का मैं लिख देता हूँ, या फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, स्केलर पॉइंट फंक्शन का। ठीक है, स्केलर फंक्शन एफ का, सिर्फ एफ का एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड, कोई एक पॉइंट दिया होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट क्या है, एक्स आई वाई जे और जेड के वेक्टर क्वांटिटी के अंदर इस टाइप से, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एन, एन क्या होगा हमारा, कोई भी जो वेक्टर होगा। ऐसे ही हमें ऊपर अगर क्वेश्चन आप देखें तो इस टाइप से ही दिया हुआ है, तो हम इसका कैसे निकालते हैं, तो हम इसका निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट पी, यहाँ पे पी के पॉइंट है, इनटू में होता है एन जो वेक्टर दिया होता है और उसका मैग्नीट्यूड, मतलब नॉर्मल वेक्टर हमने निकालना होता है। ठीक है, तो आप अब तो ये निकाल ही सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ जब मैं निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया वाई स्केयर आई प्लस 2xy प्लस जेड क्यूब जे, या पार्शियल डेरिवेटिव करके देख सकते हैं यही आएगा। ठीक है,
ये मेरे पास आ गया। और एन जो वेक्टर था वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एन जो वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास, यहाँ आप देख सकते हैं, आई प्लस टू जे प्लस टू के, आई प्लस टू जे प्लस टू के, ठीक है, आई प्लस टू जे प्लस टू के, ठीक है। ऐसे ही इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो क्या हो जाता है, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया थ्री, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डेल जो डॉट एफ है, ठीक है, एट पॉइंट कितना, एट पॉइंट कितना है मेरे पास, पॉइंट दिया हुआ है टू माइनस वन और वन, और साथ में मेरे पास एन अपॉन में एन का मैग्नीट्यूड, एन क्या है मेरे पास, आई प्लस टू जे प्लस टू के अपॉन में इसका मॉडुलस। तो जब मैं इसमें ये पॉइंट पुट कर देता हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, ये हमने पहले निकाला हुआ है ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो पॉइंट जब मैंने पुट कर दिया इसके अंदर, तो मेरे पास ऊपर वैल्यू आई जे के में आ गई, क्या आई, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आई मेरे पास वैल्यू, आई माइनस थ्री जे माइनस थ्री के, और साथ में ये पढ़ा ही हुआ था, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या आई प्लस ये जो एन है प्लस टू के अपॉन में क्या है मेरे पास थ्री, ठीक है। ऊपर जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस सिक्स अपॉन में थ्री, तो माइनस इलेवन बाई थ्री जो है बिल्कुल आपका कोरेक्ट आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हैं, पोज करके भी देख लीजिए, ठीक है, अपने कॉपी पे करके देख सकते हैं। तो इसमें जो आंसर है 11 बाई थ्री तो है, माइनस 11 बाई थ्री नहीं है, तो इसका आंसर है फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट। इसकी जो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करोगे तो आपको आंसर की भी मिल जाएगी, उसके अंदर इसका आंसर है नन ऑफ दीज, मतलब इसका जो आंसर आएगा माइनस 11 बाई थ्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ थ्री डायमेंशनल रेडियल वेक्टर फील्ड और इज, तो डायमेंशन है रेडियल वेक्टर फील्ड की, तो वो क्या होगी, तो हम इसे कैसे निकालते हैं, मतलब कि डाइवर्जेंस की बात की गई है, तो डाइवर्जेंस किसका होता है, वेक्टर क्वांटिटी का, तो हम डाइवर्जेंस इसका निकाल देते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या आ गया मेरे पास, तो ये जो है मैं जो पहले आर मानना भूल गया, आर जो है ना आप मान लीजिए कि एक्स वाई जेड, ठीक है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर है। अब कर्ल जब लगाएंगे, कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट टू में, तो मेरे पास क्या आएगा, कर्ली एक्स बाय कर्ली एक्स, आई आई तो आई से तो आई कैंसिल होगा, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने पहले आपको बताया कि डाइवर्जेंस जो होता है, जैसे कि ये वाला है, तो क्या होता है, कर्ली बाय कर्ली एक्स आई, ऐसे ही कर्ली वाई जे प्लस कर्ली बाई कर्ली जेड के, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, जो आर है ना, ये जो है ये मतलब इसका ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अब इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर कर्ली एक्स बाय कर्ली एक्स, आई स्केयर वन होता है, ऐसे ही कर्ली वाई बाय कर्ली वाई प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली जेड आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के जब मैंने किया तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, मतलब इसकी डायमेंशन जो है वो मेरे पास क्या आ गई, थ्री। ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट है, डाइवर्जेंस ऑफ थ्री डायमेंशनल रेडियल वेक्टर फील्ड आर जो है उसकी डायमेंशन आएगी थ्री। द वेक्टर फील्ड एफ इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वाई जी क्या होगा, डाइवर्जेंस फ्री बट नॉट इरोटेशनल, इरोटेशनल बट नॉट डाइवर्जेंस फ्री, डाइवर्जेंस फ्री एंड इरोटेशनल, नाइदर डाइवर्जेंस फ्री नॉर इरोटेशनल। तो देखिए इसका जो कंसेप्ट है ना वो मेन ये होता है, जो डाइवर्जेंस फ्री है या हम बोलते हैं सोलेनोइडल, ठीक है, सोलेनोइडल जो होता है वो होता है, अगर डाइवर्जेंस डॉट एफ मतलब सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालें तो वो जीरो आए तो हम बोलेंगे कि डाइवर्जेंस फ्री या सोलेनोइडल, और अगर कर्ल
एफ हम निकालें वो जीरो आ जाए तब हम बोलेंगे ई रोटेशनल। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हमने डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाला वो आ गया जीरो, तब हम बोलेंगे उसे डाइवर्जेंस फ्री, और हम बोलेंगे या इसे हम बोल सकते हैं सोलेनोइडल। ठीक है, और अगर बात करें कर्ल की, सी यू आर एल, कर्ल एफ जब हमने निकाला मतलब वो डिटरमिनेंट वाला, तो वो अगर जीरो आ गया तब हम इसे बोलेंगे ई रोटेशनल। ठीक है, तब हम तो हमने सोल्व करके देखा डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू, जब मैंने सोल्व किया मतलब एक्स आई माइनस वाई जे था, तो एक्स का कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो वन आएगा, और कर्ली वाई करेंगे वाई में तो माइनस वन आ जाएगा, और जेड तो जीरो ही है। ठीक है, क्योंकि जेड की तो उसमें दिया ही नहीं हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है एक्स आई माइनस वाई जे दिया हुआ, जेड की वैल्यू नहीं है, तो जेड नहीं है तो जीरो आ गया, तो इसका आंसर आ गया जीरो। इसका मतलब ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस फ्री। अब हम निकालते हैं कर्ल, कर्ल कैसे हम निकालते हैं, डेल डॉट एफ क्या आ गया मेरे पास, आई जी और के। ठीक है, तो मेरे पास आ गया कर्ली वाई कर्ली एक्स, कर्ली वाई कर्ली वाई, कर्ली वाई कर्ली जेड, एक्स वाई और जीरो, एक्स वाई क्योंकि जेड की वैल्यू था ही नहीं, तो इसको जब मैंने सोल्व किया इसका भी आंसर मेरे पास क्या आया, जीरो। इसका मतलब कर्ल कर्ल ऑफ एफ क्या आ गया मेरे पास, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ई रोटेशनल भी वो हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है मेरे पास डाइवर्जेंस फ्री एंड ई रोटेशनल, मेरा आंसर है बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। उसे चलने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो नेक्स्ट जो है ना फ्रेंड्स, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये मैंने अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, अभी आपको समझ आ गया होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, तो आपको एफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एक्स वाई क्यू प्लस वाई जेड स्क्वायर एट पॉइंट दिया हुआ है इस पर, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिया हुआ है आपको। वही बात जो मैंने आपको पिछले अभी क्वेश्चनों में करवाई कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए जो एफ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल एफ निकाल लेंगे, डाइवर्जेंस सॉरी ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेंगे, क्योंकि स्केलर पॉइंट फंक्शन है ना ये वाला, यहाँ देखिए आप स्केलर पॉइंट फंक्शन है, पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एन जो वेक्टर दिया हुआ है हमें आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, इसका हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो हम कहाँ पुट कर देंगे सारा का सारा, हमने पहले क्या निकाल लिया, ग्रेडियंट ऑफ एफ, उसके अंदर पी जो पॉइंट दिए हुए हैं तीन उसको पुट कर लिया, इनटू मैंने एन जो है वो वेक्टर दिया हुआ है जिस डायरेक्शन के अंदर है, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर जो है मैं आपको कमेंट के अंदर बता दूंगा, आप कमेंट में देख लीजिएगा किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर बनता है। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू पे। इसमें क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है मेरे पास, एफ फैक्टर, तो मैंने क्या निकालना है, डेल डॉट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने निकालना है, ये क्या होगा, रोटेशनल होगा, इरोटेशनल होगा या बोथ होगा। ठीक है, तो सॉरी ये जो डेल है ना यहाँ से कट कर लीजिएगा, ये डेल नहीं है, सिर्फ एफ दिया हुआ है आपको। ठीक है, एफ दिया हुआ है आपको, और ये बताना है आपको कि क्या होगा। आपको क्या करना है कि इरोटेशनल या रोटेशनल को चेक करने के लिए क्या करना होता है, मेरे को यहाँ देखिए आपको निकालना होता है कर्ल एफ, कर्ल एफ निकालेंगे मतलब कि ये आप निकालेंगे। ठीक है, ये आप निकालेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा ना, अगर वो जीरो आता है तो वो इरोटेशनल होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है आप करिए अपनी तरफ से और लगाइए, और कमेंट में मुझे आंसर का जवाब दीजिए, सॉरी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपका प्रैक्टिस के लिए रहेगा, फाइंड कर्ल ऑफ एफ
एफ दिया हुआ है हमें, उसका कर्ल फाइंड आउट करना है किस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के अंदर। तो कर्ल में क्या होता है, सिंपली हम क्या करते हैं कर्ल फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारा ये कर्ल होता है वही जो हमने अभी किया आई जे के, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ली वाई कर्ली एक्स, कर्ली वाई कर्ली वाई, कर्ली वाई कर्ली जेड, ऐसे ही यहाँ पे वो पॉइंट एक्स के वाई के और जेड के जो हमें एफ में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पॉइंट निकालेंगे, जो भी हमारे पास आएगा उसमें एक्स वाई जेड की जगह क्या पुट कर देंगे, 2, -1 और 1, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। तो इस टाइप से आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि आप कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर मैं आप कमेंट के अंदर मैं भी जो है ना वहाँ पे आपको दे दूँगा सारे के सारे आंसर्स। पिछली वीडियो को मैंने नहीं दिए थे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अन अकेडमी के ऊपर प्लीज़ फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वहाँ भी अच्छे अच्छे कोर्स मैं बना रहा हूँ, पीएचडी और पीएचडी के मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ के भी। तो प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लीजिए, वहाँ अच्छे अच्छे कोर्स भी मिलते रहते हैं। और मिशन डी ट्रिपल एस भी अगर कोड लगाकर आप अन अकेडमी के ऊपर कोई भी पेड कोर्स लेते हो तो वो उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। आप कोई भी कोर्स लो, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी कोर्स लो, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ आपको कोड लगाना होगा मिशन डी ट्रिपल एस बी, ठीक है। तो वहाँ 1000 की वन लाइनर की सीरीज़ है, उसे भी आप देखिए, और पैडागोजिकल सेक्शन के भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं उसे भी आप देख सकते हैं। सीटेट के भी पेपर का सोल्यूशन करवा रहा हूँ उसे भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।